दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में हुए शूटआउट में गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी का कत्ल बेहद ही शातिर दिमाग लोगों का प्लान था। गोगी के कत्ल की जांच में अब एक के बाद एक नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। नया खुलासा ये हुआ है कि गोगी के कत्ल के लिए जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया उन्हें भी जेल के अंदर से टिल्लू के आदेश पर मुहैया कराया गया था। गोगी हत्याकांड की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने जब टिल्लू ताजपुरिया और नवीन बाली को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तो ये खुलासा हुआ कि जेल में बंद टिल्लू गैंग की कमान राकेश ताजपुरिया संभाल रहा है। टिल्लू के कहने पर राकेश ताजपुरिया ने ही शूटरों को हथियार मुहैया कराए थे। टिल्लू गैंग का नया कमांडर यानी राकेश ताजपुरिया अलीपुर का रहने वाला है। इतना ही नहीं, अलीपुर के ही नरेश ताजपुरिया और रोहतक के पाकिस्मा गांव का दीपक इस वक्त नए कमांडर के दो सबसे खास गुर्गे हैं। रोहिणी शूटआउट में राकेश ताजपुरिया का कनेक्शन सामने आने के बाद से दिल्ली पुलिस ने राकेश की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है। गोगी की हत्या में शामिल टिल्लू इसके अलावा दिल्ली और हरियाणा के करीब 10 से ज्यादा गुर्गों के संपर्क में था। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है आखिर टिल्लू ने किस किस को गोगी की हत्या को लेकर बात की और फील्डिंग लगाई थी। फिलहाल क्राइम ब्रांच बरामद मोबाइल फोन, सीसीटीवी फुटेज और आपस में हुई चैट की फोरेंसिक जांच भी करा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे।